Hello dear students, welcome to my new channel Management Nazariya. This is the lecture 1 which speaks about the basics of management. Here we will see the features and the definition and the basic meaning, matlab jo basic management hota kya hai. Aage badhte hain. Theek hai. Henry Fayol ke hisab se management is to manage, to forecast, to plan, to organize, to control, to coordinate everything. ठीक है, this is the definition of Henry Fayol. अब Henry Fayol के definition को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और सिंपल सरल भाषा में जानते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है. याद है जब हम अपने बुक्स के पाइल को या बुक शेल्फ को सही से अरेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपने जो बुक्स जिसे हम कम यूज़ करते हैं उन्हें पहले नीचे रखते हैं, फिर उससे ज़्यादा यूज़ में आने वाली बुक को थोड़ा ऊपर और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले बुक्स को सबसे ऊपर. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि हमें चीज़ों को उस बुक शेल्फ में कैसे डालनी है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस हिसाब से अब काम करके उस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, अपने बुक शेल्फ को अप टू डेट और खूबसूरत बना रहे हैं. यही है मैनेजमेंट, अपने हिसाब से चीज़ों को अच्छे से ढालना, टू मेक थिंग्स प्रॉपर एंड स्पिक एंड स्पाइन एट द प्लेस वेयर दे एक्चुअली नीड टू बी. दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट, वेयर इन यू एक्चुअली प्लान, यू ऑर्गेनाइज, यू कमांड, यू कोऑर्डिनेट एंड यू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू डू दैट टास्क. नाउ लेट्स सी द फीचर्स फर्दर. Okay, so these are the 10 main features of management. We will study them one by one. Ek ek karke sabko dekhte hain. Pehla hai, management is a process. Process kya hota hai? Ek kaam ke baad dusra kaam, us kaam ke baad teesra kaam. Bina pehla kaam hue teesra kaam ho nahi sakta. Isliye sare kaamon ko barabar tarike se jana hota hai. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग, स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग और एग्ज़ाम्स. पहले हम चीज़ों को समझते हैं या तो क्लास में या तो कॉलेज में, जहाँ भी पॉसिबल हो. फिर हम अपने प्लान्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं. इसी तरह से मैनेजमेंट भी चलता है. इन द सेम मैनर मैनेजमेंट ऑल्सो वर्क्स. देर आर थिंग्स दैट आर प्लान्ड एंड देन इट इज़ बीन ऑर्गेनाइज, coordination, control, later, further steps are being taken. So the next one is management is a social process. When I say social process, ka matlab kya hai? Aap dekh rahe ho yahan pe, aapko is slide mein you can see people there. Aapko kuch log dikh rahe hain. Matlab ye ek group activity hai. किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए कोई बंदा या कोई बंदी अकेले नहीं कर सकता. अगर कोई हेड है तो वो प्लान करेगा, अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करेगा और फर्दर उसके सबॉर्डिनेट्स अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करेंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑन ग्राउंड लेवल. दैट्स बेसिकली द सोशल प्रोसेस. फिर आता है मैनेजमेंट इज एक्शन बेस्ड. पहला वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं. जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पहले हम समझते हैं, फिर प्लान करते हैं, स्टडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक एक स्टेप ले रहे हैं और उस हिसाब से एक्शंस को प्लान कर रहे हैं. इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज़ एक्शन बेस्ड. देन वी हैव इट अचीव रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स. एफर्ट्स ऑफ अदर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इंसान वर्क नहीं करता है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं. पिक्चर में आप देख रहे हो एक टीचर है एंड शी हैज स्टूडेंट्स अराउंड हर. द टीचर इज गाइडिंग द स्टूडेंट्स, राइट. शी हैज अ हैंडीकैप स्टूडेंट हु इज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर ओवर देयर, द गर्ल. शी हैज ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड शी इज ट्रेनिंग देम. Efforts are being put by her on her students and the results will be achieved when the student perform good. इसलिए
इन स्टूडेंट्स को अच्छा प्रिपेयर करने के लिए सारे टीचर्स एंड स्टाफ की मेहनत लग रही है, इसलिए इट सेज दैट इट अचीव रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स. देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एडेड एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड थ्रू कंप्यूटर्स. Now, whenever you go in management, you know what? होता क्या है? It's basically innovation. सोच है आपकी किसी चीज़ को किसी तरह से करने की. इसलिए कहा जाता है कि इसे कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कर सकता. हम कंप्यूटर की हेल्प से कोई चीज़ कर सकते हैं. But management का पूरा काम, planning, ideology, सारा कुछ कंप्यूटर नहीं कर सकता. It can be a helper, but it cannot be the boss. That's why it cannot replace human. For management, you need human, you need professionals. The next point is management is all pervasive. All pervasive matlab is duniya mein har jagah management apply hota hai. Aap observe karoge na, to if you go to your kitchen also, wahan bhi aapko management dikhega. You go and open your cupboard, wahan bhi aapko management dikhega. You go in a professional marketing institute, वहाँ भी आपको management दिखेगा. तो कहीं भी आप जाओ, छोटे से छोटे काम से लेके बड़े काम तक, everywhere you will observe something that is managed and you will observe management is being carried out. इसलिए इसे all pervasive कहा जाता है. Then you have management is an art, science as well as a profession. आर्ट साइंस एज वेल एज प्रोफेशन क्यों कहा गया है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट क्योंकि टू प्रिपेयर दोज आइडियोलॉजी थिंक इन दैट मैनर यू एक्चुअली नीड अ वेरी इनोवेटिव माइंड. जो एज वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर इंसान नहीं कर सकता. दैट्स वाई इट्स एन आर्ट. साइंस एज वेल एज प्रोफेशन क्यों बोला है? क्योंकि देर आर मेनी मैनेजमेंट थियोरीज जो दैट यू विल स्टडी फर्दर इन माई फर्दर लेक्चर्स. ओके, so it requires theories, there are principles, and hence professionals are required to carry on those operations. Now professionals are those experienced people who have worked for several years in the same field, or even pioneers like you and me who are starting their profession in the field of management. Then management is different from ownership. Now if you're seeing in this picture properly, the girl is sitting and she's imagining, or basically she is planning out her marriage. She has a card, she has a dress, she has a cake, she has flowers, all those things going out in her mind. Why management is different from ownership? Because the work or the activity that is being done by different people. And the service which has been provided is enjoyed by some other people. The girl here is managing the whole marriage event. Okay, she's managing the whole marriage event. But it's not her marriage, it's someone else's marriage. That's why it is said ki management is different from ownership. Aapka kaam karta koi aur hai, but uska malik koi aur hota hai. Theek hai? Next point hai aapka ki management adopts a professional approach. Professional approach kyun? Jaise ki maine aapko before pehle bataya ki management mein यू नीड प्रोफेशनल्स जो एक्सपीरियंस्ड है, जो ये काम कर रहे हैं और जो इसके बारे में थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज उन्हें पता होना चाहिए. क्योंकि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हो, किसी फर्म में काम कर रहे होते हो, आप बस ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं कर सकते हो. देर आर वेरियस स्टेप्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, कंडीशन होता है. इसलिए वहाँ पर एक प्रोफेशनल, एक एक्सपीरियंस्ड, एक स्टडीड, एक वेल नोन अप्रोच की ज़रूरत होती है. इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट करना ज़रूरी है एंड इट रियली अडॉप्ट्स दैट. नाउ यहाँ पे द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज इनोवेटिव. यू कैन सी एल्बर्ट आइंस्टाइन विद द बल्ब देयर, सो ही इन्वेंटेड द बल्ब. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज इनोवेटिव. व्हाई इनोवेटिव? यू नो व्हाट, यू थिंक एन आइडिया, यू वर्क इन इट, देन यू गो फर्दर, अपडेट दैट आइडिया एंड क्रिएट समथिंग न्यू. That's innovation. Now, for example, I see a pile of ice cream sticks in front of me. अब मैं सोचूंगी या तो मैं उस ice cream stick को फेंक सकती हूँ या तो I can make a very beautiful vase out of it.
So when I make a vase out of those ice cream sticks, that's innovation. Something that is of my idea that is being created by me. Okay, that's basically innovation. That's the thing that you use in management. So I end my lecture with this. Never stop thinking and keep innovating. Thank you guys. If you love my video, if you like the video, please hit the like button, subscribe to my channel and share it. Thank you.